साहिबगंज जिले के राजमहल में शहीद भगत सिंह युवा क्लब के संरक्षक गौतम राय के नेतृत्व में बलिदानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा स्थानीय कोयला बाजार मोड़ से शुरू होकर नया बाजार दुर्गा मंदिर के पास पहुंची। बता दें कि राजमहल में शहीद भगत सिंह युवा क्लब के संरक्षक गौतम राय के नेतृत्व में बलिदानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा, नगर पंचायत अध्यक्ष किताबुद्दीन शेख, अशोक दास एव क्लब के अध्यक्ष गौतम कुमार राय एव क्लब के अध्यक्ष गौतम कुमार राय सहित अन्य लोगों ने शहीद परिवारों के सदस्य को शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों और उनके माता पिता के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, आज भी हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान विषम परिस्थितियों में भी सीमा पर दुश्मन से रक्षा के लिए तैनात हैं। आजादी की लड़ाई और सीमाओं पर लड़ने वाले नौजवान जो शहीद हो गए हैं, उन तमाम लोगों में हृदय से नमन करता हूं और उनके परिवार को संवेदना भी देना चाहता हूं।